आज ये जान के बहुत खुशी हुई और ये देख के डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एंड एनएलएक्स सर्जरी जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में बैन अवी समाज से आगाही का दिन मनाया गया इंटरनेशनल हेयरिंग डे अवेयरनेस के लिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो समाज से महरूम होते हैं और इसकी वजह से वो बोल भी नहीं पाते, तो लोगों तक ये बात पहुंचाने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं और अगर उनका सही वक्त पे मुआयना हो जाए, तशखीस हो जाए और जितना जल्दी उनके डायग्नोसिस होगी उतना अच्छा उनके ट्रीटमेंट का रिजल्ट होगा। तो डिपार्टमेंट में आज जिस तरह से ये मनाया गया और आगाही के लिए अब ये मौत का इंतबाह किया गया है, तो इससे ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये मैसेज हम मुल्क के कोने कोने तक और हर वर्ग तक पहुँचाएँ कि ये एक ऐसी नेमत है सुनना देखना और ये सारी चीज़ें। इससे महरूमी के बाद इंसान की परफॉर्मेंस बहुत फर्क पड़ जाती है और ऐसा बिल्कुल नहीं जो ये समझा जाता है कि ये अपना काबिल इलाज है या बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ ऑपरेशन से अद्वियात से मेडिसिन से इन तमाम चीज़ों का इलाज मुमकिन है और अगर कुछ भी मुमकिन नहीं है तो कम अज़ कम इन बच्चों की या इन ऐसे अफराद की वो ट्रेनिंग मुमकिन है जिनसे इनको माशरे के लिए एक बेहतर शहरी बनाया जा सकता है। सारे पाकिस्तान में सारी दुनिया में आज ये दिन मनाया इन दिनों को मनाने का मकसद आगाही पैदा करना है, आगाही आम लोगों में कि वो इस बात का एहसास करें कि समाज कितना इम्पोर्टेंट अहम है। बदकिस्मती से समाज और बिनाई दोनों की कोई भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिनाई जो है उसको ज्यादा कोई बेचारा नाबीना और ज्यादा अहमियत है सुनना सुनने वाले, लेकिन जो लोग नहीं सुन पाते अगर आप उससे पूछे तो उनके लिए दुनिया में बहुत बड़ा मकसद है। आगाही किस चीज़ की देनी है, आगाही बात की देनी है कि मेजोरिटी जो है ज़्यादातर समाज की बीमारी है काबिले इलाज है और ये आगाही बच्चों लोगों को देनी है कि वो उसको वक्त पर जाएं और जाके अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो जरूर ठीक होंगे। बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे लोग जो कि गाँव वगैरह में रहते हैं उनको बड़े अस्पतालों तक पहुँच बड़े डॉक्टरों तक पहुँच नहीं, तो उस वजह से वो अपने वक्त के बाद इलाज नहीं कराते तो उनकी जो सुनने की सलाहियत है डैमेज करते। आपके तवसुस से मीडिया के तवसुस से जब लोग ये प्रोग्राम देखेंगे तो उन्हें इस बात का पता चलना चाहिए कि 90% से ज्यादा जो सुनने की बीमारियां हैं जो समाज मुतासर होती है वो काबिल इलाज है और अब तक वो बच्चे जो बिल्कुल उनके बहरे पैदा हुए वो भी काबिल इलाज है। अगर वो पैगाम उन तक पहुंचे तो वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को या वो लोग जिनको समाज नहीं है वो अपने प्रॉपर इलाज कराएंगे तो वो इसको एक माशरे का एक बहुत ही कारामद शहरी साबित हो सकते हैं पढ़ लिख सकते हैं बजाय इससे कि वो अपने घर वालों पर और माशरे पर इससे जुदा नहीं करें। असल मकसद आज टेरिंग दिलाए पहली जगह हेरिंग लगाए जब भी असल पेशेंट दवा होंगे घर में घर के पास अवेलेबिलिटी या उनकी खबर हो गई हेरिंग के इम्पोर्टेंट से हो इम्पोर्टेंट से हेरिंग लगाए थोड़ा इंसान ने बदल बदल तो खो गवाए दो इन कह रहे हैं मतलब असल माशरे में मतलब डिजिटल मानी कई माण्हू जो परेशान था इन जे करे इहो अवेयरनेस करण में ॿुधंदा आहिनि इहे पुछंदा आहिनि असां कॾहिं कंदा आहियूं उनखां पोइ छॾे थो माशरे में बेहतर थी सघे थो असां पंहिंजे हंधि करे मां डॉक्टर चावे जा ॻाल्हायां ऐं ई स्पेशलिस्ट में हाणे अच्छा हाणे इहे समाज जो आगाही जो ई आहे जेको सॼी दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे हाणे मां इन में थोरी हिकु ॿ ॻाल्हियूं चवंदुसि पंहिंजे पंहिंजे सिंधी ॿारनि खे हिन में करे जो असां में हिकिड़ो ऐप हूंदो आहे हाणे तव्हां ॾिसो ॿारनि खे कोई अखियुनि जी बीमारियूं हूंदियूं त छो लॻाईंदियूं पर कोई कननि जो ॿुधाइण जो समाज जो हूंदो हुननि खे असां ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां मशीन लॻायो उहो चवंदा त हिकिड़ो ऐप आहे जेकी हिकिड़ो ऐप तव्हां छो लॻाए सघो था मशीन खे तव्हां कॾहिं बि लॻाए सघो था इंसान नंढे सां नंढे लाइ ॿारनि खे प्राप्त हूंदो तव्हां
चाहिए तो स्पीकर भी हूँ तो गाना ही और इवन इन असा बुजुर्ग जहाँ हूँ अस वीन अस घट गुजर में अस उनके चुनाव मशीन लगा लेकिन मशीन खुद पे हो चाहता था मशीन लगा तो हाँ मुझे यो बारे चौदह बारों के तो ऐप ना ये तुम हथ कटी अस हथा बो शाइन अखे जो चश्मो तो आम आ पर जी तशीन लगा में यो ऐप ना तो अस फैसला यो हेयरिंग ऐप मिसाल डॉक्टर तुम चे तो यो जरूर लगा।